इस धरती पर वैसे तो अनेकों महानगर हैं, लेकिन अपने देश भारत और यहाँ की माया नगरी कही जाने वाली मुंबई का अलग ही रंग ढंग है। इसकी गति और जीवन शैली विविधता से भरी है। इसी मुंबई के एयरपोर्ट से मात्र 35 किलोमीटर दूर भायंदर के उत्तन गांव में स्थित केशव सृष्टि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के नाम पे समर्पित है, जहां सृष्टि के लिए सृष्टि के द्वारा सृजित सभी दृश्य अवलोकित होते हैं। केशव सृष्टि प्रकृति की गोद में बसा विशाल परिसर है, जहां कृषि, शिक्षा, गोसेवा, वनौषधि, सामाजिक शिक्षण, वानप्रस्थाश्रम तो है ही, साथ ही कुछ समसामयिक विषयों जैसे पर्यावरण, वैकल्पिक ऊर्जा, ग्राम विकास और वेस्ट मैनेजमेंट में भी अनथक प्रयास और कार्य किया जा रहा है। सन 2005 में प्रारंभ होकर कृषि संकुल वनवासी युवक युवतियों के लिए 3 वर्ष का निशुल्क आवासीय ए ग्रेड कृषि पॉलिटेक्निक है, जिसमें से आज तक 500 से ज्यादा शिक्षार्थी शिक्षण ले चुके हैं और उनमें से 80% अपने ही गांव में कृषि कार्य में लगे हैं। यहां पर सभी पूर्व शिक्षार्थियों के साथ निरंतर संपर्क रखा जाता है और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यहां पर एक मॉडल गौशाला संचालित है, जहां पर 200 से ज्यादा देसी नस्ल की गायों का संवर्धन होता है। यहां पर कई गो उत्पाद बनते हैं, गोदान के भी कई कार्यक्रम यहां होते रहते हैं। मुंबई से आने वाले लोग यहां गो सेवा का लाभ लेते हैं और यहां वर्ष भर कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। केशव सृष्टि में स्थित उत्तन विविध लक्षीय शिक्षण के अंतर्गत 2 विद्यालय राम रत्ना विद्या मंदिर और राम रत्ना इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से शिक्षण का एक अनूठा आयाम समाज के सामने है। 32 एकड़ में फैले ये विद्यालय आधुनिकतम शिक्षा और संस्कारों का अनोखा संगम है। यहाँ पर छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं, वातावरण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। उत्तन वनौषधि संस्थान में 600 से अधिक मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाते हैं। औषधीय वृक्षों का रोपण, आरोग्य पर रिसर्च और आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन इस संस्था के मुख्य कार्य है। कुपोषण को दूर करने के लिए साइनोफार्म के माध्यम से रिसर्च का कार्य जोरों पे चल रहा है। सन 1982 में राम भाव महालगी प्रबोधनी की स्थापना हुई और आज ये साउथ एशिया का एकमात्र सोशल और राजनैतिक शिक्षण केंद्र है। सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन इसका मुख्य उद्देश्य है। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व यहाँ पर प्रायः भेंट देते रहते हैं। किशन गोपाल राजपुरिया वान प्रस्थाश्रम एक ऐसा केंद्र है, जहाँ उम्र के चौथे पड़ाव में आने वाले 115 से अधिक वरिष्ठ निवासी रहते हैं। उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा, भोजन, डॉक्टर, एम्बुलेंस तो है ही, साथ ही यहाँ उनके लिए एक छोटी गौशाला और भगवान शंकर का मंदिर भी है। केशव सृष्टि माई ग्रीन सोसाइटी के माध्यम से पर्यावरण और वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में जोरदार प्रयास कर रही है। मुंबई के लिए डेंस फॉरेस्ट के माध्यम से ऑक्सीजन जोन बनाना, गांव के लिए फलों के पेड़ लगाना, हाउसिंग सोसाइटी में वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कशॉप करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। मुंबई के लगभग 100 मंदिरों में भी कंपोस्टर लगाकर उनको कचरा मुक्त करने का भी कार्य चल रहा है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उनकी प्रेरणा से हमने PRSOA यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ऊर्जा अभियान प्रारंभ किया, जिसमें हम वैकल्पिक ऊर्जा के सभी आयामों का अनुभव भी ले रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं, जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बाकी सभी रिकॉर्ड बुक्स में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर ओवन कुकिंग क्लास करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक समाज के हर वर्ग के 1,25,000 बच्चों को सोलर कुकिंग का अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिया है। पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से हजारों लोग, बच्चे और बड़े भी केशव सृष्टि में इन सारे प्रयोगों का लाभ ले रहे हैं।
मई सन 2017 में केशव सृष्टि ने ग्राम विकास के क्षेत्र में पहल की। वनवासी पालघर जिले के 42 गांव चिन्हित किए गए। आज यहां पर ऊर्जा, शिक्षा, संस्कार, पीने के पानी, आरोग्य, सरकारी योजना की जानकारी, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण, रोजगार, स्वच्छता आदि विषयों को लेकर ग्रामीण युवा और शहरी तरुण उद्योजक की एक टीम के माध्यम से कार्य प्रगति पर है और एक वर्ष में अच्छी प्रगति भी हुई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इस नई सृष्टि को देखकर बड़ा आनंद हुआ। यहाँ आने तक मुझे कल्पना नहीं थी कि इस सृष्टि का रूप क्या है। आज जो कुछ भी मैंने देखा आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है। हे केशव, तुमको कोटि कोटि अब